हेलो किड्स, हाय सर। देखो क्या लिखा है, चपाती चाट। चपाती किस 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 बच्चों को पता है? चपाती, चपाती मतलब रोटी। रोटी रोटी को बोलते हैं चपाती। देखो, ऑल चिल्ड्रन ऑफ ए स्कूल टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स। जब जैसे देखो हमारे स्कूल में सदन होते हैं ना, सदन हाउस, वैसे क्या होते हैं, क्लब्स भी होते हैं। किसी किसी स्कूल में क्या होते हैं, क्लब्स। अब देखो, द चपाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स। अब देखो यहाँ पर एक चपाती चार्ट बना हुआ है। अब ये जो फिगर है, इस फिगर को क्या बोलोगे आप? सर्किल। हाँ, वेरी गुड। क्या शेप है ये? सर्किल। कितने हिस्से रोके इस सर्किल के? थ्री। हाँ, वन टू थ्री, और एक वाइट है। कितने हो गए? फोर। ठीक है, अब देखो जो ये येलो वाला है, जो हल्का सा येलो दिखाई दे रहा है ना, ये गेम्स क्लब है। ये है गार्डन क्लब, ये है ड्राइंग क्लब, और ये एक जो पोर्शन छूटा हुआ है ये क्या है? नहीं। अब देखो यहाँ पर कोई कलर नहीं है ना पूरा, तो ये पूरा एक ही है। तो इसका मतलब गेम्स क्लब में कितने हैं बच्चे? इस वाले पोर्शन को अगर हमको भिन्न में लिखना हो तो क्या लिखोगे? बताओ बताओ, इस पोर्शन को क्या लिखोगे भिन्न में? गार्डन वाले को एक बटे चार, एक बटे चार। इस वाले को एक बटे चार, और इस पूरे को? वेरी गुड, दो बटे चार। दो बटे चार भी बोल सकते हैं और आधा भी बोल सकते हैं। आधे को क्या लिखते हैं भिन्न में? एक बटे दो। सिंपल है, ओके। अब देखो इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी दैट हाफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, जो आधा बच्चे हैं वो गेम्स क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आधे बच्चे। वन फोर्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड मेंबर्स ऑफ द गार्डन क्लब, और वन फोर्थ मतलब एक बटे चार बच्चे क्या हैं, गार्डन क्लब के मेंबर्स हैं। द ड्रॉइंग क्लब हैज वन फोर्थ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास, और एक बटे चार बच्चे क्या हैं, ड्रॉइंग क्लब के क्या हैं, मेंबर्स। ठीक है, If there are 200 students in the school, look at the above chapati chart and tell the number of the members in each club. अब वो बोल रहे हैं कि अगर किसी स्कूल में 200 बच्चे हैं तो गेम्स क्लब में कितने बच्चे होंगे? बताओ। 100। वेरी गुड, कितने? 100। गार्डन क्लब में 15। देयर आर डैश मेंबर्स इन द ड्रॉइंग क्लब, और ड्रॉइंग क्लब में 50। हो गए पूरे 200। समझ आई? Yes, सबकी समझ में आई? Yes, okay. अब देखो, getting wet in the rain. Rain मतलब? Rain. बारिश. Wet मतलब? गीला. Wet मतलब भीगना होता है. Getting wet in the rain मतलब बारिश में भीगना. कितने बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा लगता है? Very good. Who likes to get wet in the rain? A child made this chapati chart after asking his friends. अब देखो, एक बच्चे ने क्या हुआ, अपने दोस्तों से पूछा उसने, और उसके बाद क्या बनाया, ये चपाती चार्ट बनाया। इस चपाती चार्ट को अगर हम वैसे इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं हम क्या, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पाई चार्ट। ओके, जिसको हम चपाती चार्ट बोल रहे हैं उसको वैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पाई चार्ट। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा चार्ट? पाई चार्ट। और जो ये दूसरा जिसमें डंडे डंडे थे जो हमने पहले किया था उसको क्या बोलते हैं? बार चार्ट। बार चार्ट, ठीक है। ये वाला देखो, ये देखो इनको क्या बोलते हैं, बार चार्ट, और ये वाला पाई चार्ट। अब देखो उस बच्चे ने क्या किया, ये सर्किल है पूरा, क्योंकि सर्किल वाला चार्ट को हमने क्या बोला, चपाती चार्ट या पाई चार्ट। अब देखो, दोज हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है इतना सारा, ये जो हल्का हल्का ग्रीनिश टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये बच्चे तो क्या क्या होते हैं, बारिश में क्या करना चाहते हैं, ये भीगना चाहते हैं, इन्हें बारिश में भीगने में मजे आते हैं। और इतने जो बच्चे हैं इन्हें बारिश में भीगने में मजे नहीं आते। तो कौन सी संख्या ज्यादा है, भीगने वालों की कि ना भीगने वालों की? भीगने वालों की ज्यादा भीगना चाहते हैं। सी द चपाती चार्ट एंड टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन। अब वो बोल रहे हैं कि कितने बच्चे रेन में भीगना चाहते हैं। हाफ मतलब आधा, वन फोर्थ मतलब एक बटे चार, और थ्री फोर्थ मतलब तीन बटे चार। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कितने बच्चे रेन में भीगना नहीं चाहते? वन फोर्थ। ओके, समझ आया? यस सर। वेरी गुड।